बड़ी खबर से आपको मुखातिब कराते, रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है जहां पर नागरिकता संशोधन के समर्थन में महासभा आज। सीएए समर्थन समिति की ओर से बूढ़ा तालाब में इस सभा को बुलाया गया है, लोगों को सीएए से अवगत कराया जाएगा। सीएए के समर्थन में ये रैली निकाली जाएगी। देश में हो रही हिंसा का विरोध भी यहां पर किया जाएगा। तो बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं, महासभा का आयोजन किया जा रहा है बूढ़ा तालाब पर। ये महासभा का आयोजन है, रैली निकाली जाएगी सीएए के समर्थन में। इस सभा का आयोजन है पूरे देश में, जिस तरह से सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तमिलनाडु तक हमने जो विरोध प्रदर्शन देखा, कई लोगों की जान इस दौरान चली गई, तमाम तरह के घटनाक्रम हमने इस दौरान देखे। और अब जिस प्रदेश को काफी शांत कहा जाता है उसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम आता है, और वहां पर अब किस तरह से सीएए के समर्थन में महासभा का आयोजन किया जा रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हेमंत शर्मा। हेमंत, सीएए को लेकर एक महासभा का आयोजन किया जा रहा है, पूरे देश में हुई हिंसा का विरोध भी यहाँ पे, उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद की जाएगी, कैसे माहौल बनाया जाएगा? देखिए, कुछ दिन पहले जुलाई में एक आयोजन हुआ था जिसमें सीएए का विरोध किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो शामिल हुए थे। और आज राजधानी रायपुर में इसके समर्थन में एक महासभा का आयोजन किया जाएगा। और ये पूरा आयोजन जो समर्थन समिति है, नागरिकता संशोधन समर्थन समिति, ये पूरा आयोजन करने जा रही है। 2 बजे से 4 बजे तक ये पूरा महासभा होगा और इस दौरान आम लोगों को कानून के बारे में तकनीकी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद इस तरीके से पूरे देश में संशोधन बिल, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, उसके विरोध में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुआ है, तो इसके विरोध में एक रैली निकाली जाएगी और एक तरीके से सीएए का समर्थन किया जाएगा। ये सीएए के समर्थन को लेकर इस महासभा का आयोजन किया जा रहा है, ये पूरी कमेटी कर रही है, जाहिर सी बात है बीजेपी का साथ भी मिल रहा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि 3 दिन पहले जब भगत सिंह चौक पर एक आयोजन हुआ था, जब तमाम जो हिंदू संगठन है उन्होंने एक समर्थन रैली निकाली थी, तो उसमें भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी समर्थन दिया था, तो जाहिर है कि आज के जो प्रदर्शन होने वाला है, जो समर्थन को लेकर यहाँ पर एक महासभा होगा, तो उसमें निश्चित तौर पर भाजपा के जो नेता हैं वो शामिल हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत आपका। खबरें लगातार जारी है, रुक रहे हैं।